ग्वालियर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका की कहीं और शादी होने से प्रेमी इतना गुस्से में आ गया कि उसने प्रेमिका के भाई की ही हत्या कर दी। आरोपी ने पहले मासूम के साथ खाया पिया, फिर उसकी दर्दनाक हत्या करके उसकी लाश को छिपा दिया। दरअसल 12 साल का बच्चा मेला देखने गया था, रास्ते में उसे आरोपी शुभम कुशवाहा मिल गया। मृतक आरोपी को पहले से ही जानता था, इसलिए वो उसके साथ चला गया। देर रात जब बच्चा अपने घर नहीं पहुंचा तो मृतक के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में पुलिस को मृतक की लाश मिली और चंद घंटों की जांच में ही आरोपी पकड़ा गया। 29 तारीख को एक 12 साल का जो बालक है वो अपनी माँ से कह के पास के ही एक देवखो करके मंदिर है वहाँ गया था, और जब रात तक नहीं आया तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो थाना पुरानी छावनी में अपहरण की FIR हुई। FIR के बाद जो तलाश की गई उसके बाद 30 तारीख को लेट नाइट ही सूचना मिली कि जो देवखो के जंगल हैं, जो तिगरा का पहाड़ है, पहाड़ के नीचे एक बहुत खाई है और उसमें एक बॉडी मिली है। तत्काल वहाँ FSL की टीम, थाना प्रभारी, पुरानी छावनी और हमारी साइबर टीम पहुँची। उस सबको वहाँ से ट्रेन से निकाला गया और उसकी शिनाख्त उसी बालक के रूप में हुई। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था और कल नाइट से लेकर लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक आरोपी जो प्रमुख आरोपी शुभम कुशवाहा है और दूसरा उसका जो साथी है वो नाबालिग है, दोनों ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस को गुप्तेश्वर पहाड़ी में मृतक की लाश मिली है। दरअसल आरोपी शुभम कुशवाहा मासूम की बड़ी बहन से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लगभग 5 महीने पहले मासूम की मां ने अपनी बेटी की शादी शिवम से न करते हुए कहीं और कर दी। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी शिवम ने अपने साथी के साथ मिलकर मासूम की हत्या कर दी और शव को पत्थर से दबा दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट। हैं पिता।